हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर हट पर। और आज हम आपको कनेर की कटिंग के बारे में बताने वाले हैं। कनेर की कटिंग को आप किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से ये ग्रो करती है, वो सारी विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय मेरे पास हैं 3 कटिंग्स और इसमें मैं ये बड़ी वाली जो बीच में कटिंग है इसको मैं लगाने वाला हूँ। और इस कटिंग को लगाने के बाद आपको पूरी विधि बताऊंगा और लास्ट में आपका इसको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें रूट्स निकलती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इस कटिंग को सबसे पहले छील लेता हूं और छीलने के बाद इसमें एक पेन जैसी निब जो होती है उसी तरह की एक निब बना लेता हूँ। और उस निब को बनाने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से छील लूँगा। जैसा कि मैंने वीडियो में आप देख रहे हैं छीला हुआ है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी छील सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद जो हमने कटिंग छीली हुई है उसमें मैं एलोवेरा का जेल लगा देता हूँ। एलोवेरा का जेल लगाने से क्या होता है कि इसमें रूट्स जो हैं वो जल्दी आती हैं और रूट्स अच्छी आती हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा लिक्विड नहीं है, जैसे एक आता है रूट हारमोन्स, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। और उसका एलोवेरा का प्रयोग करने के बाद, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने इस कटिंग को अपने पॉट में लगा दिया है और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। और पानी डालने के बाद ऊपर जो कटिंग है वहाँ पे भी मैं एलोवेरा का जेल लगा देता हूँ, ताकि कोई एलोवेरा लगाने से क्या होता है कि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं होता है और आपके जो है लकड़ी सेफ़ बनी रहती है। और इसको लगाने के बाद अब मैं इस कटिंग को जो है छांव में रख देता हूँ और उसके बाद वेट करता हूँ। आपको मैं अपडेट बीच बीच में दूंगा कि किस तरह से ये कटिंग तैयार हुई है। और अभी मैं इसे छांव में रख देता हूँ जहाँ पर मेरे पहले से ही पॉट्स रखे हुए हैं। धूप में इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि धूप में जो है लकड़ी की नमी सूख जाती है, तो जो है हमारी लकड़ी ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो है मैं इसे छांव में रख देता हूँ। और फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि ये मुझे हो गए हैं कटिंग को 10 दिन, और 10 दिन बाद आप देख रहे हैं इसमें जो है कली आ गई है और कली के साथ आप देख रहे हैं इसके पत्ते काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इस कटिंग की देखभाल के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया है, इसमें जो है आपको पर डे स्प्रे वाटर से पानी को डालना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इस पर स्प्रे से पानी को डाल रहा हूँ। इससे क्या होता है कि लकड़ी में नमी बनी रहती है, कि बाई चांस आपकी लकड़ी में सूखापन आता है तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, हो चुके हैं 15 दिन, और 15 दिन बाद हमारी कली जो है वो कितनी बड़ी हो चुकी हैं और इसमें 2 कली और भी नई आ गई हैं, उसके साथ ही पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और अब मैं इसको डिब्बे को काट कर आपको दिखाऊंगा कि रूट्स जो हैं वो किस तरह से निकली हुई हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इस डिब्बे में ही आपको रूट्स दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो 2 रूट्स दिखाई पड़ रही हैं, और इसके बाद ये जो साइड में आप देख रहे हैं 2-3 रूट्स एक साथ बनी हुई हैं। इस डब्बे को काट कर और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें रूट्स बनी हुई हैं। और इसके बाद मैं इसको जो है प्लांट को लगा दूंगा। और ये डिब्बा मेरा कट चुका है, और कटने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रूट्स जो हैं वो किस तरह से निकली हुई हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, डब्बा काटने के बाद मैंने जो मिट्टी है वो फोड़ दी और उसके बाद आपको रूट्स ये दिखाई पड़ रही हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, कितनी अच्छी रूट्स आई हैं मात्र 15 दिन में। आपको जो है वो 1 महीने का वेट करना है तो रूट्स और अच्छी आएंगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।